पश्चिम बंगाल का, जहां रैली को संबोधित कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या हुई है और इन कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करने वाले इन गुंडों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी आने वाली कई पीढ़ियां गुंडागर्दी करना भूल जाएंगी। पीढ़ियां भूल जाएंगी गुंडागर्दी कैसे होती है। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि वहां यहां पर ममता दीदी की रुचि विकास में नहीं है और न उनकी सहानुभूति यहां की महिलाओं के साथ, यहां के युवाओं के साथ, यहां के किसानों के साथ में है। उनकी सहानुभूति तो केवल और केवल गुंडागर्दी करने वाले भ्रष्टाचारी तत्वों के साथ में है। और यही कारण है कि ममता दीदी आज विरोध की सुहद की सीमा को लांग जा रही है। जो सामान्य राजनीतिक व्यवस्था में जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता है, आज वह किस रूप में विरोध कर रही है। यह तो पहले तो भाजपा का ही विरोध करती थी, अब तो ममता दीदी विरोध करते करते भगवान राम का भी विरोध करने लग गई है। भाइयों बहनों, मैंने आपसे कहा ना, भाजपा जो कहती है सो करके दिखा देती है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि कश्मीर में धारा 300 आर्टिकल 370 हटाएंगे, हटा दिया ना कश्मीर में धारा 370। ये कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का मतलब बंगाल के ही सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का है। बंगाल की धरती में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पैदा हुए थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। और मुखर्जी जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज कश्मीर में आरामबाग और खाना कुल से जुड़े हुए कार्यकर्ता, कोई युवा कार्यकर्ता चाहे कि मुझे जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक मकान बनाना है, वह जाकर के वहां पर जमीन खरीद करके मकान बना सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। मोदी जी ने अधिकार आपको भी दे दिया है, कांग्रेस ने आपका अधिकार ले लिया था, लेकिन मोदी जी ने अधिकार आपको फिर से दे दिया है। आज कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई, आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हुआ, कश्मीर विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। और यही कार्य अयोध्या में भी हुआ। हम लोग कहते थे ना पहले कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग कहते थे कि मंदिर कब बनेगा। अब तो अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का शुभारंभ भी कर दिया है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है, मंदिर अयोध्या में बन रहा है, देश की आस्था का सम्मान हुआ है। लेकिन ममता दीदी को कष्ट बंगाल में हो रहा है। अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? आप सभी समर्थन में हैं, अयोध्या में मंदिर का निर्माण होना चाहिए ना? मोदी जी अच्छा काम किए हैं ना, तो फिर दीदी को क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि दीदी को यह सब अच्छा नहीं लगता है, मंदिर बनना अच्छा नहीं लगता है। दीदी मंदिर को अच्छा नहीं मानती है, दीदी दुर्गा पूजा को भी अच्छा नहीं मानती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, जैसे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया बीजेपी ने, भगवान राम भारत की आस्था के प्रतीक हैं, ऐसे ही भारत के इस राष्ट्र मंदिर को भव्यता प्रदान करना यह तभी संभव होगा जब हर नागरिक के जीवन में खुशहाली आएगी, हर गरीब को शासन की सुविधा का लाभ मिलेगा।
योजनाओं का लाभ मिलेगा, विकास की प्रक्रिया के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान जो कर्ज तले दबा हुआ है उस किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा। और ये कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वो कार्य करके दिखाया है। और आज मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे सुयोग्य प्रत्याशी